आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 9। जितना दिमाग राहुल का खराब था, उससे कहीं ज्यादा दिमाग कामनी का खराब हो रहा था। राहुल जितना डरा हुआ था, उससे कहीं ज्यादा कामनी डरी हुई थी। राहुल का कमरा जब खुला तो राहुल कमरे से गायब था। राहुल अचानक कैसे गायब हो गया? क्या राहुल को कामनी की साजिश का पता लग गया था? क्या किसी ने राहुल को खबर दे दी थी? कामनी के दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे। पुलिस को खबर करने से पहले कामनी ने अपने घोड़े दौड़ा दिए थे। उसने पता करवाया तो राहुल का फोन कई घंटों से बंद था। आखिरी लोकेशन भी मकान की ही आ रही थी। उसके मन में आशंका गहरी थी कि किसी ना किसी ने राहुल को बचाया है, लेकिन ये है कौन? ये कामनी की समझ में नहीं आ रहा था। जीतू काका सब जानते थे। उन्हें कामनी की परेशानी देखकर मजा आ रहा था। कामनी कई राउंड की पूछताछ उनसे कर चुकी थी। सामने वो बिल्कुल सहज होकर पूछती थी कि राहुल का कुछ पता लगा क्या? बार बार जीतू काका एक ही बात दोहराते थे, बाबा कहीं विदेश जाने की बात कर रहे थे। जीतू काका कामनी को उलझाना चाहते थे। कामनी इस जवाब से हर बार झल्ला रही थी। वजह थी कि राहुल के विदेश का कोई भी कार्यक्रम होता तो उसे जरूर पता होता। इस जवाब में डर भी था, क्योंकि एक बार राहुल के हाथ से निकलने के बाद कामनी की सारी साजिश धरी रह जाएगी। कामनी अपनी आखिरी चाल चल ही चुकी थी। अब उसकी इच्छा ये जानने की थी कि राहुल को उसके बारे में कुछ पता लगा या नहीं। मतलब राहुल अरु से बचने की कोशिश में गायब हुआ है या फिर खुद कामनी से बचना चाह रहा है। अगर शक ना होता तो मुझे बता कर जाता, और शक होता तो अपने खास लोगों को बता कर जाता, कामनी मन ही मन सोच रही थी। इधर कामनी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। उसके लोगों ने वो टैक्सी भी खोज निकाली जिससे राहुल एयरपोर्ट तक गया था। कामनी को यकीन हो गया कि राहुल देश से बाहर यानी पुलिस के फंदे से दूर चला गया है। लेकिन राहुल ने मुझे सेक्रेटरी पोस्ट से तो हटाया नहीं, यानी अब भी चांस है, कामनी सोच रही थी। वहीं वकील गोपाल शाह राहुल सिंघानिया को जमानत दिलवाने की पूरी कोशिश में थे। साथ ही उन्होंने वो सारे सबूत इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर दी थी जिससे राहुल को बचाया जा सके। इस सारी कवायद से राहुल बिल्कुल अनजान था। वो तो तपती गर्मी और अजय की बातों के बीच ट्रेन में सफर कर रहा था। अजय ने रास्ते में राहुल उर्फ प्रेम के बारे में किसी को नहीं बताया, पर अब बाकी लोगों के बीच अजय प्रेम नाम इतनी बार ले रहा था कि राहुल को चिढ़ होनी शुरू हो गई। प्रेम कुछ खाओगे? प्रेम कुछ देर नीचे आकर भी बैठ जाओ? प्रेम चलो गेट पर खड़े होते हैं? प्रेम कुछ खाने को लाऊं? राहुल अधिकतर बार ना नुकुर कर रहा था, लेकिन कुछ बार जवाब भी दे रहा था। अजय ने इतनी बार प्रेम बोल डाला था कि राहुल को लगने लगा था शायद वो खुद अपना असली नाम भूल जाएगा। मुंबई से चंडीगढ़ का रेल का सफर लंबा था। रात हुई तो ट्रेन में चर्चा के टॉपिक बदल गए। गर्मी के बाद देश के हालात पर चर्चा हो रही थी। राहुल को गर्मी से राहत भले ना मिली हो, लेकिन अपने बारे में चर्चा खत्म होने से राहत जरूर मिली। हालांकि अजय नाम की समस्या का इंतजाम अभी बाकी था। अजय ने अपने प्रेम के लिए खाने और पानी का इंतजाम भी कर दिया था। रात को ट्रेन के सफर में राहुल को सबसे नया अनुभव हुआ। राहुल के ऊपर की बर्थ की
बसंत को देखते हुए उसे ऊपर ही सुला दिया गया। एडजस्ट प्लीज फैमिली ने बर्थ के फर्श पर भी बिस्तर डाल दिया। इस तरह आखिरकार सभी एडजस्ट हो गए, लेकिन राहुल तरह तरह के खर्राटों की आवाजों से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। काफी देर वो सीट पर लेटकर खर्राटों से समझौता करने की कोशिश करता रहा। फिर आखिरकार ट्रेन के हिचकोलों ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। ट्रेन में बाकी सभी की तरह राहुल की नींद भी जल्दी खुल गई। आज राहुल को उम्मीद थी एक नए दिन की, उसे अदालत से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो नए ठिकाने पर पहुंचने से पहले फोन भी तो नहीं ले सकता था। इसीलिए आज उसे अजय के तेज आवाज वाले फोन से उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल अजय के फोन पर तेज आवाज में गाना बज रहा था, आगे भी जाने ना तू। ट्रेन और जिंदगी दोनों ही चलने का नाम है। खड़ी ट्रेन और फंसा हुआ इंसान किसी काम के नहीं रहते। जिंदगी के सफर में मुसाफिर आते हैं जाते हैं, लेकिन सभी हम सफर नहीं कहलाते। यात्री आते हैं अपने स्टेशन पर उतरकर, उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन हम सफर पूरे सफर में साथ रहता है। वैसे जिनकी मंजिल भी एक हो वो हम राह बन जाते हैं। फिलहाल तो ट्रेन में अजय राहुल का हमराज बन गया था। ट्रेन आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। राहुल का ध्यान फोन पर ही था, लेकिन आज किसी न्यूज चैनल पर राहुल की खबर नहीं आ रही थी। जिस तरह चलती ट्रेन में हर पल नजारे बदल जाते हैं, उसी तरह न्यूज में टॉपिक बदलते जाते हैं, पुराने किस्सों की जगह नए विवाद ले लेते हैं। राहुल का मन आज कल से ज्यादा बेचैन था। उसकी बेचैनी उसकी हरकतों में भी नजर आ रही थी। वो बार बार बर्थ छोड़कर गेट के पास खड़ा हो रहा था। वैसे राहुल कई बार फ्लाइट पर लंबी उड़ान में बैठा था, लेकिन ट्रेन में गर्मी में इतने लोगों के बीच ऐसी हालत में उसने जिंदगी का एक भी सफर नहीं किया था। सुबह के वक्त ट्रेन में किस्म किस्म के लोग चढ़ने लगे, जैसे सफाई वाला कूड़ा उठाते हुए पैसे मांगते हुए आगे बढ़ रहा था। कई तरह के सामान बेचने वाले आ रहे थे, चाय ले लो, पूड़ी गरम, पूड़ी गरम, सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो। ट्रेन में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। राहुल गेट के पास खड़ा अपने ही विचारों में खोया था। वो जानना चाह रहा था कि क्या पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, क्या वकील गोपाल शाह उसे जमानत दिलवा पाए, क्या उन्हें सबूतों के लिए उसकी जरूरत तो नहीं है। लेकिन फिलहाल तो उसे अपने सवालों के साथ ही तसल्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे जवाब देने वाला कोई नहीं है। पर हाँ, सवाल पूछने वाला एक शख्स है, अजय। प्रेम, कुछ डिसाइड किया? कहाँ जा रहे हो? प्लीज बताना, मैं कुछ हेल्प कर पाऊं तो। अजय भी गेट पर आकर खड़ा हो गया। राहुल अचानक चौंका। चंडीगढ़ पहुंचकर डिसाइड करता हूं। राहुल अब भी पत्ते नहीं खोलना चाहता था। मैं तो कह रहा हूं मनाली चलो, मेरे साथ ही, छोटी है पर अच्छी जगह है, मेरे साथ चलना, मौका लगे तो बाइक पर रोहतांग पास से होते हुए ले भी चलेंगे, बहुत एडवेंचर है ब्रो, अजय ने कहा। राहुल ने फीकी सी मुस्कान दी। उसके लिए तो ट्रेन का यह सफर ही उसका सबसे बड़ा एडवेंचर था। तुम थकते नहीं हो सवाल करते करते? राहुल ने पहली बार अजय से सवाल पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दीदी ने सिखाया है कि हमेशा सच का साथ देना। मुझे लग रहा है आपको फंसाया जा रहा है, यही वजह है कि मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप बोल नहीं रहे ना, इसीलिए बार बार सवाल करने पड़ रहे हैं, है ना प्रेम, अजय ने कहा। राहुल के चेहरे पर फिर से हंसी आई। पता नहीं वो क्या चाहती है,
राहुल ने कहा। सब पैसे के पीछे ही रहते हैं, हमने भी बहुत दुख झेला है पैसों की वजह से, इसलिए मेरी दीदी तो पैसे वालों से ही नफरत करती है। अजय ने कहा। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद पैसा कमाने के लिए होटल चला रही है, राहुल ने हैरानी से पूछा। हाँ, जब तक पैसा इंसान की जरूरतें पूरा करे तब तक अच्छा है, लेकिन जब पैसे के लिए इंसान बदल जाए तो बुरा है। मेरी दीदी ने पैसे से लोगों की हेल्प करना सिखाया है, वो खुद बहुत करती हैं, इसीलिए पैसा चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए भी। अजय ने कहा। ओके, रियली ग्रेट, राहुल ने छोटा सा जवाब दिया। इसके बाद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकने वाली थी तो लोग गेट पर आकर खड़े होना शुरू हो गए। दोनों की बातचीत बंद हो गई। राहुल इसके बाद अपनी सीट पर पहुंचा, लेकिन अब उसे ऊपर जाकर लेटने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे तकलीफ देने वाली गर्मी और उसके केस की चर्चा दोनों बंद थे। बच्चे ट्रेन में चढ़ने के लिए जितना उत्सुक थे उतने ही उत्सुक अब स्टेशन आने को लेकर हो रहे थे। राहुल उन दोनों बच्चों की हरकतें देखे जा रहा था। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उसका ध्यान कुछ टूटा। उसने देखा अकेले सफर कर रही महिला भी स्टेशन पर उतरी। उसका फोन अब भी चालू था। शायद सोते समय का वक्त होगा जब महिला फोन पर नहीं थी। बाप रे बाप, इतना फोन, सामान लेना भी ध्यान रहा होगा कि नहीं, राहुल सोचकर मुस्कुराया। वैसे तभी उसे ध्यान आया वो खुद ही अपना सामान चोरी करवा चुका था। अचानक ही उसका हाथ अपनी जेब पर गया, फोन अब भी जेब में था, और तभी उसे ध्यान आया अपने बैग का। उत्सुकतावश उसने उठकर बैग देखा तो ऊपर से बैग भी गायब हो चुका था। मेरा बैग कहां गया, राहुल बोला। प्रेम, क्या हुआ, अजय ने जब पूछा तो प्रेम पर हमेशा की तरह ज्यादा जोर था। मेरा बैग यहीं तो था, राहुल बोला। ओ, सामान तो नहीं था ना उसमें, बुजुर्ग ने चिंता से पूछा। हाँ हाँ, था तो, मेरा कीमती सामान था, राहुल बोला। ओहो, तो आपको यहाँ हमारे पास रखकर जाना था ना, आप जेंट्स लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं, हम तो हर चीज पर नजर रखते हैं, पता है कितने लोग गुजरे हैं यहाँ से, महिला ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। इस बार पति ने भी उसकी हां में हां मिलाई। राहुल समझ नहीं पा रहा था शक करे तो किस पर। इतने में अजय ही बोला, ब्रो ट्रेन अभी खड़ी है, चलो जल्दी से ढूंढते हैं। राहुल और अजय ट्रेन में नजर दौड़ाते हुए स्टेशन पर उतरे और बैग की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे, लेकिन सामान ले जाने वाला भला कहां रुकेगा। राहुल के चेहरे पर शिकन थी क्योंकि यही पैसा तो उसके छिपने के वक्त काम आने वाला था, पर अब तो वो बिल्कुल खाली हाथ था। उसने अपनी जेब पर हाथ मारा तो नया आधार कार्ड और ट्रेन टिकट तो उसकी जेब में जरूर था, पर्स भी मौजूद था, पर कार्ड फिलहाल उसके लिए बेकार थे। हे भगवान, वकील बाबू जल्दी से रास्ता निकाल लें वरना मैं यहीं फंस जाऊंगा, राहुल मन ही मन सोच रहा था। ब्रो कुछ नजर नहीं आ रहा है, वापस चले नहीं तो ट्रेन में निकल जाएगी, अजय ने कहा। राहुल ने मुड़कर देखा तो ट्रेन सही में चल पड़ी थी। अजय दौड़ना शुरू कर चुका था। तेज दौड़ो ब्रो तेज, अजय तेजी से ट्रेन की तरफ दौड़ता जा रहा था। राहुल के कदम भीड़ के बीच लड़खड़ा रहे थे। अजय ने दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ ली, लेकिन राहुल के मन में विचार दौड़ने लगे। क्या उसकी कामयाबी की ट्रेन भी छूट रही है, क्या वो जिंदगी में पिछड़ता जा रहा है, क्या अब अजय भी उससे दूर होने जा रहा है। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।